घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, 13 गुना फल चाहिए तो धनतेरस पर जरूर खरीदे पीतल। जी हाँ, अगर आप 13 गुना फल पाना चाहते हैं तो धनतेरस पर पीतल जरूर खरीदें। और इसकी क्या मान्यता है, ऐसा क्यों होता है, इसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के पश्चात आने वाले त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी कहा जाता है। धन एवं आरोग्य प्रदान करने वाली इस त्रयोदशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय अन्य दुर्लभ और कीमती वस्तुओं के अलावा शरद पूर्णिमा को चंद्रमा कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवती लक्ष्मी जी का समुद्र में अवतरण हुआ था। यही कारण है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन और उनके उसके दिन उसके 2 दिन पूर्व त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने इसी दिन आयु में वृद्धि करने वाले आयुर्वेदिक का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान धन्वंतरी को नारायण भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो आरोग्य प्रदान करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाओं में वे शंख एवं चक्र धारण किए हुए हैं और अन्य 2 भुजाओं में औषधि के साथ वे अमृत कलश रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अमृत कलश पीतल का बना हुआ है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी को बहुत ही प्रिय है। यही कारण है कि भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस अर्थात धनतेरस पर लोग खास तौर से पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अन्य बर्तनों की खरीदारी भी इस दिन खूब होती है। धनतेरस को लेकर माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुभ फल प्रदान करती है और लंबे समय तक चलती है, लेकिन पीतल खरीदने से 13 गुना अधिक लाभ मिलता है। वैसे तो कोई भी धातु की बनी वस्तुएं खरीदने का महत्व है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि। आशा करता हूँ आप भी जान गए होंगे कि 13 गुना फल कैसे मिल सकते हैं धनतेरस के दिन अगर आप पीतल खरीदते हैं तो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या दिवाली से रिलेटेड या फिर धनतेरस से रिलेटेड या फिर नरक चतुर्दशी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आ रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना ना भूलें, या कोई भी सुझाव आ रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।